अभी अभी यहाँ पर देखो लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और देखो कैसे इनको खदेड़ कर इस समय यहाँ पर भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बकायदा इनको डिटेन भी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरीके से यहाँ पर डट करके अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता कहाँ तक चढ़ करके अपनी आवाजों को उठा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के यहाँ पे आला अधिकारी, तमाम तरह के पुलिसकर्मी और यहाँ पर जो है इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो है भगाने का प्रयास करिए यहाँ पर पूरी तरीके से। देखें यहाँ का माहौल, देखो यहाँ का माहौल देखो किस तरीके से यहाँ पर फैल चुका है, ताकि अच्छा क्या क्या हो गया, क्या क्यों भगाया जा रहा है हम लोग जा रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के द्वारा संसद घेराव किया जा रहा है, ये बैरिकेड के माध्यम से हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज और जबरदस्ती बस में डाला जा रहा है। हम लोग को अपना आवाज और हम लोग को अपना विरोध करने का हम लोग का पूरा अधिकार है और यूथ कांग्रेस ऐसी बैरिकेड 5 होगा ऐसा बैरिकेड लगाएंगे सबको हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा बोलो क्या बताओगे? यूथ कांग्रेस की आवाज़ को से दराया नहीं जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता है। ये हमने बैरिकेड है, बहुत बैरिकेड हमने तोड़े हैं, ऐसे बैरिकेड हम नहीं डरते। यूथ कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी जी के लिए लड़ जाएंगे और जिस प्रकार से आज लोकतंत्र को दबाया जा रहा है उसके लिए यूथ कांग्रेस के सिपाही मैडम आप भी इसी में प्रोग्राम में आए, क्या बताएंगे? क्या देखिए पूरी तरह से तानाशाही चल रही है संसद के अंदर, संसद के बाहर। ये दिल्ली पुलिस ने हमें दिया है ये निशान, सिर्फ हमारे देश के हमारे नेता के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें इनाम मिला है। और मैं ये कहती हूँ संसद के अंदर अगर हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं तो माइक्स को म्यूट कर दिया जाता है, संसद के बाहर हम शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं तो धारा 144 लगा दी जाती है। बताओ क्या क्या जिस हिसाब से डिटेन किया जा रहा है क्या कहेंगे? जिस हिसाब से आप लोगों को भगाया जा रहा है क्या कहेंगे? ये अत्याचारी सरकार, इनको डर है कि आज कांग्रेस पार्टी देश में मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के युवा, कांग्रेस के कार्यकर्ता डट के सामना करेगा, डरने वाला नहीं है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये कैसे हुआ? कैसे ये पुलिस की जो दादागिरी, जो गुंडागर्दी चल रही है ना, सब मोदी डरता है, इसका युवा डरता है, सब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, सब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये देश के युवा का खून नहीं है, ये क्रांति की शुरुआत है इस देश में, हिंदुस्तान में एक नई क्रांति की शुरुआत है नरेंद्र मोदी द्वारा। ये तो लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है, देश का युवा हर किसी को सहन नहीं करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, इसका एक भी सिपाही जिंदा है। लोकतंत्र की हत्या किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के साथ में इन्होंने जो किया वो देश का बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे और ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ये मोदी और अडानी और अंबानी के रिश्ते क्या है ये जनता को पता होना चाहिए। देश की संसद में इस बात का सवाल होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए। ये चोरों की सरकार है और चोरों को चोर कहना अगर गुनाह है तो हम ये गुनाह पूरी जिंदगी करते रहेंगे। पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी के साथ आज सड़कों पे मुखा उतरा है, ये लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे, राहुल गांधी जी को एक मजबूती प्रदान करेंगे आने वाले समय में। अरे मोदी जो